नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल आईपीओ के डे 3 के अपडेट के बारे में। 6 से 8 सितंबर के बीच आईपीओ खुलता हुआ दिखाई दिया था। 695 से 735 रुपए की प्राइस बैंड थी। 20 शेयरों का लॉट साइज था यहाँ पे और 670 करोड़ का इशू साइज था। तो कहीं ना कहीं आज के दिन ये आईपीओ बंद होता हुआ दिख रहा है। कैसा रहा सब्सक्रिप्शन, इसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। जहां पे सबसे पहले अगर हम बात करें, अलॉटमेंट डेट है 13 सितंबर की। 14 सितंबर है रिफंड डेट, यानी कि अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो रिफंड मिलेगा आपको। और अगर अलॉटमेंट मिल गया तो 15 सितंबर को शेयर आपके डीमेट में आएंगे और लिस्टिंग होती हुई दिखाई देगी 18 सितंबर यानी कि मंडे के दिन। तो कहीं ना कहीं आज के दिन इसका सब्सक्रिप्शन नंबर अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम एनएससी की वेबसाइट में जाके देखते हैं कि किस तरीके का सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है, तो क्यूआईबी का जो कोटा है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 28 टाइम भरता हुआ दिखाई दे रहा है। एनएससी का डेटा यहाँ पे देखने मिल रहा है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो ये हिस्सा जो है ऑलमोस्ट 11 टाइम्स भर रहा है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा की बिड लगाने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनका हिस्सा 11.84 टाइम्स, और 10 लाख से कम और 2 लाख से ज्यादा की जो एचएनआईस वाले जो स्मॉल एचएनआईस है उनका हिस्सा 9.8 टाइम्स यहाँ पे भरता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें रिटेल इन्वेस्टर्स की, रिटेल कैटेगरी में किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हमने देखा यहाँ पे 3.47% हिस्सा जो है, 3.47 टाइम्स जो है वो भरता हुआ दिखाई दिया है रिटेल सेक्शन में। जहां पे कट ऑफ बिड अगर आप देख रहे हैं तो लगभग लगभग 1,21,38,560 शेयरों के लिए आती हुई दिख रही है, और वही अगर प्राइस बिड की बात करें तो लगभग 27,36,100 की जो बिड है वो आती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो है, ये बिड्स जो है वो ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएंगी, और यही बिड जो है इंपॉर्टेंट जो कट ऑफ प्राइस में ही आएगा, क्योंकि 1-2 गुना से ज्यादा अच्छा सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एनएससी पे ये जो सब्सक्रिप्शन है अभी 12 टाइम्स देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है बीएससी के नंबर देखना कि बीएससी में किस तरीके का सब्सक्रिप्शन देखने मिल रहा है। तो बीएससी की वेबसाइट में अगर आप देखेंगे तो क्यूआईबी का हिस्सा जो है ऑलमोस्ट 159 टाइम्स भरता हुआ दिख रहा है, यानी कि ओवर सब्सक्राइब बहुत ही जबरदस्त यहां पे होता हुआ दिख रहा है। एचएनआईस का हिस्सा अगर आप देखेंगे, एच एन आई इसका हिस्सा ऑलमोस्ट 23.4 टाइम्स यहाँ पे भरता हुआ दिखाई, जिसमें से जो बड़े एच एन आई से जिनका मोर देन 10 लाख का हिस्सा है उसकी अगर हम बात करें 27.3 टाइम्स यहाँ भरता हुआ दिखाई, और जो 10 लाख से कम और 2 लाख से अधिक के एच एन आई से उनका हिस्सा ऑलमोस्ट 15.58 टाइम्स यहाँ पे भरता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन बात करें रिटेल सेक्शन में तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रिटेल सेक्शन का जो हिस्सा ऑलमोस्ट 3.84 टाइम्स भरा है, जहाँ पे लगभग 1,43,73,200 शेयरों की बोली कट ऑफ प्राइस पे मिली है, और बाकी प्राइस बिडिंग पे देखिए तो 21,08,000 शेयरों की 21,08,480 शेयरों की जो बिड है वो प्राइस बिड है, मतलब यानी कि रेंज में किसी 735 से नीचे की कोई रेंज में बिड आई है। तो वो सारी चीज लगभग यहाँ पे कैंसिल होती दिख सकती है। कहीं ना कहीं आप इस आईपीओ को भी देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट 51 टाइम्स जो है बीएससी पे सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है, और एनएससी पे ऑलमोस्ट 11 टाइम्स, यानी कि हम सब 60-62 गुना जो है ये आईपीओ मोटा मोटी भरता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक बहुत ही बंपर रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिल रहा है। रिटेल सेक्शन की अगर हम बात करें तो 6 से 7 गुना जो है दोनों साइड से अगर आप मिला के देख रहे हैं तो भरता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। तो अच्छा खासा अलॉटमेंट चांसेस जो है वो आपको यहाँ पे शायद देखने को मिल सकता है। अगर इन्हें किसी ने अलॉटमेंट लगाए हैं तो अलॉटमेंट के चांसेस जो है वो बाकी आईपीओ की तुलना में यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की, किस तरीके से जीएमपी अभी चलती हुई दिख रही है, तो 225 रुपए के आसपास जो है यहाँ पिछले 3-4 दिनों से ग्रे मार्केट प्राइस जो है स्टेबल देखने को मिल रहा है। 960 रुपए के आसपास की लिस्टिंग के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लगभग लगभग 30% के लिस्टिंग गेन अभी फिलहाल मार्केट ग्रे मार्केट जो है वो आपको भी इंडिकेट कर रहा है कि 30% के आसपास का लिस्टिंग गेन देखने मिल सकता है। अब डिपेंड करेगा लिस्टिंग डे यानी कि 18 सितंबर सोमवार के दिन किस तरीके से वहां पे मार्केट की कंडीशन रहती है और किस तरीके से इसका ग्रे मार्केट प्राइस ऊपर नीचे होता है। कहीं ना कहीं 200 रुपए के आसपास तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी रहता है अगर, तो एक अच्छी खासी लिस्टिंग यहाँ पे आपको 25 से 30% की रेंज में देखने मिल सकती है। एक रीजनेबल लिस्टिंग गेन जो है वो यहाँ पे आपको होता हुआ दिख सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।